नमस्कार, मेरा नाम भूमिका है और मैं स्वागत करती हूँ आपका देश रोजाना पर, जहाँ हम लाते हैं आपको हर दिन की सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। और आज के बुलेटिन में हम देखेंगे कि कैसे भारत और मालदीव के बीच बढ़ रही सहयोग की नई गूंज, मौसम में हो रहा बदलाव और राजनीति के मैदान में उभरते विवाद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का खास अपडेट, खास बुलेटिन और शुरुआत आज की खास सुर्खियों के साथ। भारत की मित्रता का नया अध्याय, पीएम मोदी का मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो से सैनिक प्रशिक्षण का ऐलान। मौसम का मिजाज बदलने वाला है अगले 5 दिनों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बारिश की संभावना। गाजा में तबाही की नई तस्वीर, इसराइल हमास संघर्ष में 40,000 ठिकानों पर बमबारी, लेबनान भी प्रभावित। चुनावी नतीजों से पहले बाजार की बिगड़ती हालत, क्या है गिरावट के पीछे के कारण। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 साल के बच्चे की हत्या के दोषी की डेथ पेनल्टी पर रोक, सुनवाई जारी। हरियाणा चुनाव की तैयारियों में जुटे सीएम सैनी, दीपेंद्र हुड्डा के साथ जलेबी पर मच गई बहस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जोश, हरियाणा में वोटों की गिनती से पहले बोले, ना थक गया हूँ ना रिटायर हुआ। सिंघम अगेन का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च, अजय देवगन के साथ रामायण के ट्विस्ट में नए कॉप यूनिवर्स का आगाज। भारत की क्रिकेट टीम ने किया धमाल, बांग्लादेश को हराकर दिया जीत का डबल डोज। बिहार की राजनीति में नया हंगामा, तेजस्वी यादव पर भाजपा ने चोरी का आरोप लगाया, विवाद बढ़ा। रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। दिग्विजय चौटाला का तंज, बीजेपी ने शरीफ आदमी के गले में मरा सांप डाला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर यानी कि कल आने वाले हैं और एग्जिट पोल में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला की पार्टी का प्रदर्शन कमजोर दिख रहा है। इस बीच चौटाला ने नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि सैनी बहुत अच्छे और शरीफ व्यक्ति है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ऐसे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है जिसमें जान ही नहीं थी। चौटाला ने कहा कि बीजेपी को 20 सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि पार्टी केवल 15 से 16 सीटें ही जीत पाएंगी। उन्होंने नायब सिंह सैनी की दूसरी पार्टियों से मदद लेने की संभावना पर भी कहा कि बीजेपी को ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हरियाणा चुनाव में बुरी तरह हार रही है। दिग्विजय चौटाला ने ये उल्लेख किया कि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी की मित्रता थी, लेकिन बीजेपी ने अफसरशाही के जरिए जनता को परेशान किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभव है कि कांग्रेस को किसी पार्टी से गठबंधन की आवश्यकता पड़े। चौटाला वर्तमान में डबवाली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, जहाँ उनका मुकाबला अपने चाचा आदित्य चौटाला से है। आदित्य के साथ अभय चौटाला और पंजाब का बादल परिवार भी है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के अमित सिहाग ने 15,647 वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार वो अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह दिग्विजय चौटाला का बयान हरियाणा की राजनीतिक हलचल में नया मोड़ लाता है, जहाँ चुनावी संभावनाओं का खेल और भी ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड। हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया के समक्ष अपने विचार साझा किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो ना तो थके हैं और ना ही राजनीति से रिटायर हुए हैं, जो कि उनके राजनीतिक भविष्य के प्रति उनकी सक्रियता और समर्पण को दर्शाता है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्यों के गरीबों और ज़रूरतमंदों का कल्याण है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस की सरकार हमेशा से समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रही है। उनकी मान्यता है कि समाज के हर वर्ग के लिए अवसर और संसाधनों की समानता सुनिश्चित करना आवश्यक है। हुड्डा ने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा हरियाणा के विकास और समृद्धि के लिए काम किया। उन्होंने आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत के प्रति आशावाद व्यक्त किया और कहा कि पार्टी का लक्ष्य राज्य की सभी समस्याओं का समाधान करना है। उनका यह बयान उन सभी मतदाताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जो कि जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की दिशा क्या होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो युवा नेताओं को अवसर देने के लिए तत्पर है, जिससे पार्टी का संगठन और ज़्यादा मजबूत हो सके।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान चुनावी माहौल में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और दर्शाता है कि वो अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हरियाणा की जनता से अपील भी की कि वो एक मजबूत और विकासशील राज्य के निर्माण के लिए कांग्रेस का समर्थन करें। इस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान न केवल उनकी राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है बल्कि हरियाणा के विकास और समृद्धि के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करता है। अनिल विज का बेबाक बयान, कुमारी शैलजा, केजरीवाल, राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा पर खोले राज। हरियाणा के भाजपा के दिग्गज नेता अनिल विज एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने आज अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा पर तीखे कटाक्ष किए। कुमारी शैलजा के मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पर अनिल विज ने कहा कि शैलजा ने जितने उम्मीदवार खड़े किए थे उनके खिलाफ बागी खड़े हो गए, उनके सारे लोग हार गए, तो वे किस आधार पर दावा करेंगे कि वे मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। विज ने साफ शब्दों में संकेत दिया कि शैलजा की दावेदारी की स्थिति कमजोर है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि जेल में रहते हुए उनकी दोस्ती अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ हो गई होगी, तभी वो उनका गुणगान कर रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि दिल्ली में अंडरवर्ल्ड का राज स्थापित हो गया है, जिसे अनिल विज ने सीधे तौर पर चुनौती दी। एग्जिट पोल के संदर्भ में विज ने कहा, कांग्रेस जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रही है लेकिन असली नतीजे तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट होंगे। भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनता के मत ही असली सबक सिखाएंगे। कुमारी शैलजा और अनिल विज दोनों ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। कुमारी शैलजा ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दावेदारी को लेकर कई बार खुलकर बात की, जबकि अनिल विज ने भी स्पष्ट किया कि प्रदेश की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। अनिल विज ने अंबाला कैंट क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार चित्रा सरवाला पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार पहले से भी बुरी तरह हारेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार नकली घी बेचने जैसे गंभीर मामलों में लिप्त हैं। अनिल विज हमेशा से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान अक्सर राजनीतिक हलचल पैदा करते हैं। उनके इन बयानों से स्पष्ट होता है कि हरियाणा की राजनीति में उनका आवाज कितना प्रभाव है। चुनाव नतीजों से पहले हरियाणा के सीएम सैनी ने किए इंतजाम, दीपेंद्र हुड्डा की जलेबी पर बहस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों पर जोर दे उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उनका फोकस सुनिश्चित करना है कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अराजकता ना हो। सीएम सैनी ने कहा कि प्रशासन ने मतगणना स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की और सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। उनका उद्देश्य है कि हरियाणा की जनता को चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास हो, स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस बीच कांग्रेस नेता त्रिवेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी माहौल में हल्का फुल्का मजाक करते हुए जलेबी पर चर्चा की। उन्होंने इसे एक प्रतीक के रूप में लिया, जिससे इस दर्शाया जा सके कि चुनावी प्रक्रिया में मिठास के साथ साथ कुछ विवाद भी हो सकते हैं। ये बात राजनीतिक हलकों में हल्का फुल्का माहौल बनाने का प्रयास थी जो चुनावी तनाव को कम कर सकती है। दोनों नेताओं के बयानों ने हरियाणा के चुनावी परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी। जहां सीएम सैनी चुनावी इंतजामों को लेकर गंभीरता से काम कर रहे हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने राजनीति को थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया। इस प्रकार हरियाणा के चुनाव नतीजों की प्रतीक्षा के बीच दोनों नेताओं की गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म है और सभी दल अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे आज की ताज़ा और आज की खास खबरें। हरियाणा विधानसभा चुनावों के हलचल में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे और रणनीतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। मतगणना के नतीजे कल यानी कि 8 अक्टूबर को सामने आए जाएंगे, जो तय करेंगे कि राज्य की कमान आखिर किसके हाथों में होने वाली है। तो इन घटनाक्रमों पर हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी। तो आप ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोज़ाना बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।